तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन यूट्यूबर द ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो वो हाल ही में यूट्यूब में आया और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। और तो वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूँ कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नया चैनल है तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, तो कर देना प्लीज़। ये है इंडियन यूट्यूबर द ट्रिगर्ड इंसान। तो ये अपने ज़्यादातर वीडियो में बोलता रहता है कि ये तो भाई सिंगल है, तो ये अपनी स्टोरी टाइप वीडियो में बोलते हैं कि ये बचपन में सिंगल नहीं थे। तो बचपन में ये सिंगल नहीं थे बट अब सिंगल है, इसके कुछ कारण हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा गुस्सा करने की कुछ नहीं है। तो देखने के बाद जो भी उनके फैंस हैं तो वो ज़्यादा रिएक्ट मत करना, ठीक है ना। ओए सुन ट्रिगर्ड इंसान, तू सिंगल है ना? हाँ क्यों? अबे पैसा, ये एक प्रूफ था आपके लिए कि इन्होंने खुद बोला कि ये सिंगल है। तो और भी कुछ वीडियो में वो बोला था तो मुझे वो मिल नहीं रहा। उसके घर में कोई प्रॉब्लम वगैरह थी तो वो क्लास में आके रोती रहती। अब मैं एकदम ही शरीफ जेंटलमैन, मैंने भी पूछा क्या हुआ, सिंपथी दी उस लड़की को, कंसोल करा, चुप कराया, तो यार वो लड़की मेरे को लाइक करने लग गई। तो उस जमाने में फोन तो होते नहीं थे हर किसी के पास, तो उस लड़की ने एक लेटर लिखा और अपनी बेस्ट फ्रेंड को पकड़ा दिया मुझे देने के लिए। व्हाई नॉट, मतलब मैं भी गजनी की कल्पना की तरह पूरे रात सोचता रहा और अगले दिन मैंने हाँ बोल दिया। तो अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा तो ये हमारे भाई का बचपन का लव स्टोरी था। तो और भी है, आप देखिए। तुमने मुझे आवाज मारी जलेबी, और देखो मैं आ गया जलेबी, देखो मैं आ गया एंड फिर जलेबी मुझे कहती है यार आई ना वना काइंड टेल यू समथिंग जलेबी। क्या कहना चाहती हो तुम, बोलो। जलेबी यार आई काइंड लाइक्स यू, आई मीन लाइक वाला लाइक, आई लाइक यू। लड़की सामने से तुम्हें प्रपोज मार रही है यारा, लेकिन फिर एकदम से मुझे याद आया ओ शिट मेरी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ओह माय गॉड, अब नाइन्थ क्लास का निश्चय जिसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है काजू कतली नाम की, उसको किस लड़की ने प्रपोज करा है, अब क्या। तो देखो भाई के बचपन में कितने लड़कियां थे, उनको चूज करना पड़ रहा है कि किसको लूँ और किसको छोड़ू। तो भाई के बचपन में इतने सारे लड़कियां होने के बावजूद भी वो आज सिंगल है, इसका तो भाई एक ही मतलब हो सकते है क्यों है वो। आई लव यू। और अरे इतना हवस भाई के अंदर है, भाई के अंदर इतनी हवस होने के वजह से ही शायद इसके पास कोई लड़की आने से डरता है, समझिए ना। इसीलिए हमारे भाई आज भी इंटरनेट पर बंदियां ढूंढने का कोशिश कर रहा है, देखना चाहोगे तो देखो। देखो यार अब बात कुछ ऐसी है कि अपनी पहली वीडियो से लेके आज तक माई लेवल ऑफ सिंगुलैरिटी हैजंट चेंज्ड, मैं तब भी सिंगल था और मैं अब भी सिंगल। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. लेकिन बस अभी बहुत हो गया, today I have decided कि यार अपने को भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए, बस बहुत हो गया यार, तो I will take help, लेकिन कौन करेगा मुझे हेल्प? कौन है वो? ना द इजी वे टू फाइंड लव। तो कभी भी आपके आसपास से कोई क्यूट लड़की या लड़का निकलता है जिसको देख के आपको लगता है कि यार काश इससे बात हो पाती, तो यार टेंशन मतलब डाउनलोड करो हैपन ऐप। जब भी आप किसी को क्रॉस करोगे तो उनकी प्रोफाइल आपको हैपन पे आ जाएगी, आप उनको हाई भेज सकते हो, और अगर क्रश आ गया तो इसका मतलब उन्होंने भी आपको लाइक करा है। तो अब भाई को गर्लफ्रेंड नहीं मिलने के दुख की वजह से वो अब अलग अलग ऐप में जा रहे हैं, अलग अलग जगह जाके मतलब हैप्पी एंड नाम का कोई ऐप वो डाउनलोड करने की सलाह दे रहे हो, और वो खुद भी डाउनलोड करके मतलब लड़कियों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए ना। मतलब वो कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लड़कियों के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर नहीं भी अच्छा लगे तो भी लाइक कर देना, तो क्या जाता है लाइक करने में, और सब्सक्राइब कर देना, और गुस्सा ज़्यादा मत करना। जो भी उनके फैंस है तो मैं भी उनका फ़ैन हूँ, उनको मैंने भी सब्सक्राइब कर रखा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं चलता है इतना सा यार। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।